यहाँ पे एक छोटी सी दुर्घटना हो चुकी है। रात भर खड़े होके तैनात होके अपने किले की हिफाजत करो। शौर्य मराठाओं का बता रहा, गा रहा क्रांति 57 की, गुमनाम खड़ा वीरान पड़ा, क्या यही है कीमत आजादी की? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू एपिसोड। तो हम आ चुके हैं एक सागर के पास, हमें बताया गया था कि एक छोटा सा फोर्ट है, तो हम आ चुके हैं अब सानोदा के फोर्ट में। तो यहाँ पे सच में बहुत छोटा सा है, चूंकि पहले हमने सोचा था छोटा सा है, बट वो सच में बहुत छोटा सा है। चलिए आके देखते हैं आगे। ये है प्रभात सोलंकी, जिन्हें आपने पचमढ़ी व्लॉग में भी देखा होगा। जयंद, यहाँ पे हमारे साथ है कन्हैया, एक नई मॉडल आई, और आपको एक नई मॉडल से ही मिलाते हैं हमारे साथ। ये है शैलजा सोलंकी, जो कि प्रभात भाई की सिस्टर है, छोटी सिस्टर है। और ये एज ऑलवेज प्रीति राजपूत। आज इस फोर्ट के बारे में आपको बताएंगे और देखते हैं कि क्या है अंदर और क्या चीजें हैं। तो बढ़ते हैं फोर्ट के आगे। किले के इतिहास के बारे में बात करें, खग राज सिंह दांगी के पुत्र अचल सिंह ने 1752 में इस किले का निर्माण करवाया था, जिसे 1857 की क्रांति में मराठाओं द्वारा मुख्य केंद्र बनाया गया था। सबसे पहले हम जा रहे हैं फोर्ट में, एक हमको मंदिर दिखा, एंड फोर्ट काफी अच्छी कंडीशन में है गाइस। मंदिर दिखा, पीछे ही है, मंदिर पीछे भी है, आगे भी है, शिवलिंग भी है, भोलेनाथ के दर्शन कराते हैं अब आपको यहाँ पे। फिर देखते हैं अगर मे भी कोई चीज हमको मिलती है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे भोलेनाथ के मंदिर भी है। राजपूतों के द्वारा निर्मित इस किले की दीवारें आज भी शौर्य गाथा इस किले की बयान करती है। गाइस, तो जब 1857 की रेवोल्यूशन थी, उसमें एक मेन फोर्ट बनाया गया था इसको, ताकि पश्चिम तरफ से कोई इस किले में आक्रमण ना कर पाए, उसके लिए 1857 सेंचुरी की इस फोर्ट को बनाया गया था। तो आज हम इस चीज़ को एक्सप्लोर भी करेंगे, एंड कई चीज़ों को आपको, एक ऐसे पहलू को, और मैं इंडियन गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बुंदेलखंड की जो विरासत है, इस पर आप एक प्रॉपर निगरानी रखें। 1857 की क्रांति में विद्रोहियों का मुख्य केंद्र छुपने और सुरक्षित रहने का यही किला था। विद्रोहियों का यहाँ रहने की बात हैदराबाद के ब्रिटिश कैप्टन हारे को पता चल गई थी, इस कारण से उन्होंने इस किले पर आक्रमण किया और इसकी दीवारों को ध्वस्त कर दिया। हालांकि विद्रोही यहाँ से भाग निकले थे। गाइस, तो ये फोर्ट जो था, ये मराठा डायनेस्टी के लिए एक इम्पॉर्टेंट फोर्ट इसलिए भी कहा जाता है, क्योंकि 1857 के रिवॉल्यूशन में इसको एक बीच का केंद्र बनाया गया था। फिर अंग्रेजों ने यहाँ पे आके ये सारी दीवारें वगैरह ध्वस्त कर दी, तोड़ दी, फोड़ दी, बट 2012 के बाद इस किले को फिर से बनाया गया। एंड उसके बाद किला ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है, बट हम अंदर जाके अभी देखेंगे। बट मेक श्योर कि आई थिंक ऐसा होना चाहिए था कि इस किले की थोड़ी सी और सेफ्टी हो सकती थी, साफ सफाई हो सकती थी फोर्ट की, और इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे अंदर आने के लिए लोगों को भी, या तो आप कुछ टिकट्स वगैरह होनी चाहिए थी, क्योंकि अंदर हमने देखा अभी तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। बुंदेलखंड की धरोहरों को ऐसा तो बर्बाद नहीं करना चाहिए आई थिंक, बट लेट्स सी अब जो भी होता है तो देखेंगे। किलों के इतिहास में इसे एक निगरानी किला कहा जाता था, ताकि पश्चिम की तरफ से आने वाले विद्रोही आक्रमणकारियों पर नज़र रखी जा सके एवं इसकी जानकारी राहतगढ़ के किले में पहुंचाई जा सके, ताकि युद्ध करने की उचित व्यवस्था हो। इस किले में जाने के दो द्वार हैं, ये जो आप सामने देख रहे हैं इसे पीछे का द्वार कहा जाता है, ताकि यहाँ से भाग सकें, निकल सकें आक्रमण के समय पर। चारों तरफ की ऊंची ऊंची दीवारें बयान करती हैं कि आक्रमणकारी जब भी इस किले पर आक्रमण करने आए हैं,
या तो उन्हें उचित सामग्री लेके आनी पड़ी है युद्ध के लिए, या फिर उन्हें मुंह की खाकर वापस जाना पड़ा है। मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में स्थित ये किला आज भी 1857 की क्रांति को उसी सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाता है जिस प्रकार ये 1857 की क्रांति के समय देखा गया था। वर्तमान में इस किले में जाने आने के लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोग आकर किले में खुदाई करते हैं खजाने की तलाश में, मगर उनकी ये कोशिश नाकाम रहती है। यदि सरकार ने आगे इस पर कुछ कार्रवाई नहीं की तो आगामी समय में किले का जर्जर होना तय है। किले का मुख्य द्वार अविस्मरणीय सुंदरता का एक प्रतीक है, जो कि आज भी हमारी भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति को बयान करता है। तो ये फोर्ट का अंदर वाला हिस्सा है गाइस। यहाँ से हमने एंट्री मारी है। गेट काफी, हाइट काफी यार। ये दो मंजिला किला है। ये यहाँ पे रंगमंच के कार्यक्रम, और यहाँ पे आप ये जो मंदिर देख रहे हैं इमली के पेड़ के नीचे, ये जो मंदिर है इसे कहा जाता है, ये बूढ़ा देव का मंदिर है, जो कि जनजातीय लोग हैं वो यहाँ पे आके अक्सर पूजा करते हैं गाइस। तो किले के मध्य भाग में सेना के रहने, खाने पीने, उनके रहने की एक उचित व्यवस्था थी, इसीलिए इस किले को दो मंजिला किला बनाया गया था। और ये सागर जिले से थोड़ा सा बाहर है, जिसे सानोधा कहा जाता है। किले में कई रहस्यमयी और गुप्त रास्ते हैं, जिन्हें सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से बंद करके रखा है। खैर, यहाँ पे आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं आपको कई सारे रहस्यमय दरवाजे दिखते हैं, जिनके पार जाना पता नहीं ये कहाँ निकलते हैं। हमने भी इन्हें देखा और हम भी काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गए। कहा जाता है कि इस किले के नीचे से जो गुप्त रास्ते हैं वो राहतगढ़ के किले, सागर के किले और धामोनी के किले से जाके निकलते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी दुर्घटना हो चुकी है हमारे एक दोस्त के साथ, मतलब दुर्घटना नहीं, घटना हो चुकी है, घटना घट गई है इनके एक कान में। यहाँ पे एक छोटी सी जीव ने काट लिया है, जिसको हम बरैया कहते हैं। हाँ, बुंदेलखंडी में बरैया बोल सकते हैं, यहाँ पे मधुमक्खी बोलते हैं, मधु है ही नहीं उसके पास। अगर आप इस किले में जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सांपों का थोड़ा सा खतरा है और जहरीले जीव भी पाए जाते हैं यहाँ पे, जो कि देखे भी गए हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को उचित जानकारी देने का प्रयत्न करने में अगर सफल रहे हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इस वीडियो के माध्यम से स्पेशल थैंक्स में रजत सिंह सोमवंशी को भी देना चाहूँगा, जिन्होंने हमारा इस वीडियो को बनवाने में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो गाइज, यहाँ पे हमारा फोर्ट को हमने एक्सप्लोर कर लिया है, सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं जो भी है इस फोर्ट के बारे में। ऊपर जाना थोड़ा सा सेफ नहीं था, दैट्स व्हाई हम नहीं गए, कुछ रीज़न थे, मैं गया था ऊपर अकेला, बट कुछ सेफ नहीं है तो मैं नहीं गया वहाँ पे ऊपर। आप भी आएँ तो आप फ्रंट साइड से ऊपर ना जाएँ। और बाकी वीडियो अगर पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और यहाँ पर मंदिर, और अगर कुछ समझ में ना आए कि कमेंट क्या करना है तो जय श्री राम लिख देना बस। जय श्री राम। सानोधा कंप्लीट करने के बाद अब हम जा रहे हैं आपचंद की गुफा। बीच में जाने के बीच में जाते जाते काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो हम ले रहे हैं कोल्ड ड्रिंक,
मैंने लिया है माउंटेन ड्यू और भाई साहब ने लिया है पेप्सी। खत्म कर दी। ये एक हाथ यहाँ से आता हुआ है डाकू का, बेटू माउंटेन ड्यू और कन्हैया। कन्हैया मुंह दिखाने लायक नहीं है, कन्हैया माजा। तो भैया हेलो बोल दो। तो हेलो भैया, भैया ने बोल दिया है। और भैया का शॉप का नाम है वैभव किराना। अगर आओ यहीं से पेप्सी पीना।